जो नरे दुख में दुख नहीं माने, जो नरे दुख में दुख नहीं माने, जो नरे दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरे नहीं जाके, सुख सने नहीं माने। सिखी गुलदस्ता सोगते रहने आरो, ना है मान अब माना, ना है मान अब माना, जो नरे दुख में दुख नहीं माने, जो नरे दुख में दुख नहीं माने, आशा मनसा सगले त्याग जागते रहे निराशा, काम क्रोध पर से नाहिन ते कट ब्रह्म निवास, गुर कृपा जे नर को कीनी ते जुगत पशानी, नानक लीन पयो गोबिंद स्यों, जो पानी संग पानी, जो नरे दुख में दुख नहीं माने, जो नरे दुख में दुख नहीं माने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी साजी नवाजी साथ संगत जीओ, आओ सरबत साथ संगत गुरु महाराज जी की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन दरबार है। हने हने भाई साहब भाई बलवंत सिंह जी नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शब्द उच्चारण कर रहे सन। गुरसिख की आत्मक अवस्था इस शब्द विच गुरु महाराज पेश कर रहे हैं। जिन्हां उत्ते सतगुरु की महान बख्शिश हो जाए उन्हां दी आत्मक अवस्था कित्थे पहुंच जाती है, वो दुख की सुख की परवाह नहीं करया करते। उन्हां वास्ते सोना और मिट्टी एक बराबर है। एक फलासफर लिखता है कि संसार है एक फुरना। गुरबाणी में भी जिक्र आया है कि कीता पसाओ
एको कवाओ तिस्ते हुए लख दरिया। ए संसार है एक फुरना और जीवन है एक इशारा, ए कुदरत है एक तमाशा और दुनिया है एक नजारा। दशमेश पिता जी कहते ने मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। ये दुनिया एक तमाशा है, तमाशा सब नु दिसदा है और मगर बैठा मदारी उस नु कुविरली अख देख सकती। सितारे बड़े सोहने ने, चंद बड़ा सोहना है, सूरज बड़ा चंगा है, आकाश किन्ना निर्मल और अथाह है। सहरावां विच बड़ी चुड़ीतां ने, समुंदर बड़े अमित और अगम ने। धरती की दौलत कदे मुक ही नहीं सकती, जो कुछ पाया सो एका वार। प्यार विच किन्नी मिठास है, गलवकड़ी विच किन्नी अनोखी बिजली की रौ है, तंदुरुस्ती विच किन्ना आनंद है। कदे भुख लगी होवे असी महसूस करते हैं कि भुख विच अनोखी जी अनुभवता है, पर जे खुराक मिल जाए तो खुराक विच भी बड़ी संतुष्टता है। किसी का भला मंगोगे शुभ इच्छा विच शांति मिलेगी, हसन विचों खेड़ा मिलेगा, हमदर्दी विचों मिलाप चलकदा है। कदे खड़े हो फुलां नूं तको, पार्क विच जाके फुलां विचों कोई सुनेहा मिलेगा। उड़े जांदे पंछियों नूं सुनो, पंछियों विच भी कोई राग है, राग विच एक इलाही जी मस्ती है और उस मस्ती दे हासियां विच रब दी सरकार है। मेरे सतगुरु कहंदे बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखिया। एक शायर कहंदा कक्का आखदा कुदरती रब दिसे, ओए अखी किवें विखालिए अंधियां नूं, रंग रंग नहीं आखिया, रंग हुंदा पता रंग दा, रंग नाल रंगिया। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भाग, रंग लागत 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 है, वह महसूस करते हैं जिन्होंने सच का रंग चढ़ गया। जेडे मुंडे ताश खेडते हैं उन्होंने पता भी रंग की किन्नी कदर होंगी, रंग की दुखी हो बादशाह मार ली तो रंग पत्ते भावे दस फड़े होने की कोई कदर कीमत नहीं। जो मनुख न रंग चढ़ जाए, मेरे सतगुरु मनुख नूं वार वार कहिंदे ने ऐ सज्जन मानस जन्म दुर्लभ है होत ना बारंबार। बड़े भागां नाल इह दई मिली है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बजा। 84 लाख गेड़ा कट्टन तो बाद ए बड़े वड्डियां भागां नाल मनुखा दे मिली है। गुरमुख अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत पाज केवल ना। आ तेरी कड़ी सफल है जेड़ी गुरु महाराज के चरणों च लंघ जानी है। तू मैं जिक्र कर रहा सा कि कुदरत है एक तमाशा और दुनिया है एक नजारा, सुंदरता है एक दीपक और इश्क है परवाना, सृष्टि है मूल मकसद, माया है एक पसारा, यह जिंदगी है एक नियामत पर मरना भी एक हकीकत। जिंदगी है एक नियामत, मानस जन्म दुर्लभ है पर मरना भी एक हकीकत। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, यह वैन है हयाती और मौत है किनारा, बंदा है एक मुसाफर और परलोक है एक मंजिल। हर सफर एक सराह है, आशा है एक सहारा, और किस्मत है तसव्वुर, संकल्प है एक रहबर, तकदीर है एक हीला और हिम्मत एक हुलारा। मनुखता है मेवा और मकसद है लोक सेवा, विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगा बैसन पाइए, कहो नानक बहाल उड़ाइए। गुरु नानक साहब ने पूछा महाराज दरगाह की थां किवें मिलेगी, महाराज कहंदे विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगा बैसन पाइए, कहो नानक बहाल उड़ाइए। श्री राग महला पहला। असी रोज आसा जी वार विच पढ़दे हां, सेव कीती संतोखई
जिन्नी सचो सच ते आया। गुरु अर्जन साहब कहिंदे ने चार पदार्थ जे कोई मागे साध जना की सेवा लागे। सेवा दा बड़ा उच्चा रुतबा, जे पाव सुहावे जतौ तिर जुलदे, सीस सुहावा चरनी मुख सुहावा जतौ जस गावे, जियो पाया तौ सरनी। जो सानू किसे उत्ते गुस्सा आ जाए असी कहने दुर फटे मुतेरा, जे होर गुस्सा आ जाए कई कहंदे ने लख लांत तेरी जिंदगी ते, जे होर ज्यादा गुस्सा आ जाए कई कहंदे ने तृत तेरे जान नू। ते भाई गुरदास स्पष्ट शब्दां च कहंदे ने तृत सेवा बिन हाथ पैर होर निफल कर। मक विच मनुखता है मेवा, पर मकसद है लोक सेवा। और मिल बैठना गनीमत, एक रात दा गुजारा जितनी हर रात बाकी, तू खुश खुश लंघा ले साकी, चढ़ना ही चाहता है प्रभात दा सितारा। और मेरे सतगुरां ने निरा किया नहीं, वो जनता दी सेवा कीती है भावे सिर भी देना पिया। श्री गुरु नानक देव जी कदे रोहेल खंड दी मंडी विच जाके विकदे ने, कदे बाबर दियां चक्कियां पींदे ने, कदे लोधी बादशाह दी जेल कटदे ने। इस दुनिया में माड़ा फेरन वाले संत बड़े सी, पर कोई ऐसा महापुरुष चाहिदा सी जिहड़ा दसे कि अणख की जिंदगी किवें जीदी दी है और अणख की मौतें किवें मरीदा है। श्री गुरु नानक देव जी ने ऐलान किया, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम, जेता किछ खाए। पर सजना, जे तेरी जिंदगी में इज्जत नहीं पत नहीं तो गुलामी का जीवन तू जी रहा है, इस जिंदगी उत्ते लानत है। और गुरु महाराज ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, राजे सिंह मुकदम कुत्ते दा सर्टिफिकेट समय की सरकार नूं दिता। जुल्म नहीं मिटे, उन्होंने पंजवें जामे विच तत्तियां तवियां उत्ते बहना पिया, उन्होंने छेवें जामे विच तलवार चुकनी पई और चार जंग लड़े। कल दे प्रोग्राम विच मैं आप जी दे सामने छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का चौथा जंग बयान किया सी। सिद्धी दिल्ली सरकार नाल टक्कर हो गई। दिल्ली सरकार ने छेवें पातशाह तो बाद जो सतवें गुरु गद्दी ते बैठे, उधर शाह जहान मर गया, उसकी गद्दी उत्ते मुहय्युद्दीन औरंगजेब बैठा। उन्हें गुरु हरि राय साहब ने दिल्ली तलब किया। महाराज ने कहा मलेश नू दर्शन नहीं देना, नहीं मलेश को दर्शन दे हैं। राजा जय सिंह ने बेनती की, महाराज आप जी नू संगतां की खातर कुछ ना कुछ तो उद्यम करना चाहिए, आखिर दिल्ली दी संगतां नू उड़ीक दियां ने। श्री गुरु हरि राय साहब कह लगे असीं खुद नहीं जावांगे, असीं अपना साहिबजादा भेजांगे। इन्हां दे दो साहिबजादे सन, श्री राम राय जी और श्री हरि कृष्ण जी। वड्डा पुत्र राम राय सी, इसनूं कहण लगे बेटा जाओ औरंगजेब दे दरबार विच गुरमत दा पक्ष पेश करो, गुरु नानक अंग संग रिद्धियां सिद्धियां चरणां विच रहणगियां। पर वेख्या जी कहते एवें ना करामातां खाई जाया जे, करामात खुदा दी बख्शिश है वाहेगुरु की रहमत है, पर जे बेड़ा वजह विखाई जाइए तो फिर करामात वाहेगुरु का कहर बन जाया करता। नानक सा सिद्ध सा करामात है, अचिंत करे जिस दात। लैके रिद्धियां सिद्धियां ते करामातां बाबा राम राय दिल्ली पहुंचिया। अपनी खुशामद करवाउण लई औरंगजेब दे मन उत्ते रोब पाउण लई लगा करामातां विखाउण। इतिहासकार कहिंदे ने 72 करामातां विखाइयां, एवें गल गल नाल करामात। औरंगजेब इम्तिहान भी लैंदा रहा, बाबा राम राय उत्ते गुरु नानक दा हथ सी, वह करामातां विखाउंदे चले गए। कई बार वैसे ही बादशाह ने कह देना कोई कुरता मेवा चाहिए फल चाहिए, बाबा राम राय ने एकदम कितने अंब कितने अंगूर कितने सेब दुनिया भर के फ्रूट हाजिर कर देने। एक दिन शिकार खेडन गए ने, बड़ी तड़कदी तोपे, बाबा राम राय ने हथ किया, औरंगजेब के सिर उत्ते इक बदली आ गई। शहजादा मुअज्जम का जन्म होना है, बेगम दुखी है, जल दे छटे मारे एकदम शहजादे का जन्म हो गया। क
कहिंदे ने एक खूह ते चादर विछा दित्ती कि जाके जदों पैर रखणगे खूह च डिगणगे। पर राम राय जी सावधान बैठे रहे। इहो जिहियां ने कई करामातां विखाईआं गईआं, कहिंदे ने 72 करामातां विखाईआं। मौलाणिया के बण च बड़ा तसब कि इन्नी इज्जत बाबे राम राय दी। उन्होंने कैसी लड़ाउणी पाई। औरंगजेब नूं कहण लगे, जी सानू पता लगा कि गुरु नानक साहब बाणी विच लिख गए ने, मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई कुम्हार, घड़ भांडे इत्तां कियां, जल्दी करे पुकार। राम राय नूं औरंगजेब ने पुछा, महाराज इस बाणी का की अर्थ बनता है? हुण राम राय ने जिथे 72 करामातां विखाईआं सी, उह 73 वी इक होर वी विखा सकदा सी। औरंगजेब नूं कमरां सड़दियां विखाउंदा। गलती सीधी है कि मुसलमान मुर्दे नूं साड़दे नहीं, दबदे ने। वो कहिंदे ने मुर्दे इसे तरह पए रहणगे, क्यामत दे दिन उठणगे। पर बाबा राम राय उसनूं समझा सकदा सी कि एक पासे तुसीं मुर्दे नूं साड़दे नहीं, पर समें गुजर जांदे ने, मुर्दे जिहड़े ने वह मिट्टी नाल मिट्टी हो जांदे ने, कुम्हार कबरां च जांदे ने, मिट्टी पट के लै आउंदे ने, उन्हां कबरां दे मिट्टी दी भांडे बणाउंदे ने, वह भांडे भट्ठे विच पै के फिर सड़दे ने। आया मुसलमान की मिट्टी फिर सड़दी है कि नहीं सड़दी? पर राम राय खुशामद विच आ गया, कहिंदा नहीं जी, तुहानूं किसे ने गलत दस्सिया, गुरु नानक साहब से कह गए ने मिट्टी बेईमान की। औरंगजेब नूं तां खुश कर लिया, पर यह पता श्री गुरु हरि राय साहब जी लगा। कहन लगे, साडा पुत्र होके तो गुरु नानक की बाणी उलटाई उसने, जिधर मुंह है चला जाए, अज तो बाद साडे दर्शन ना करे, बाइकॉट कर दिता। तरले लैंदा रहा राम राय, सतवें पातशाह ने पुत्र नूं मथे नहीं लाया। छोटे साहबजादे हरि कृष्ण नूं गुरगद्दी दे दिती गई। 5 साल की उम्र में गुरु हरि कृष्ण पातशाह गुरगद्दी उत्ते बैठे। लोगों में चेले गोई होई, चर्चा होई कि 5 साल का गुरु बन गया, आखिर किन्नी संगतां दी तसल्ली करवावेगा, इहदे विच करामातां रीतियां सिद्धियां किन्नी आउणगियां। गुरु महाराज ने कृष्णे विखाए और संगतां दी तसल्ली करवाई। राम राय ने औरंगजेब दे दरबार च दावा कीता, पर जदों संगतां ने जवाब दिता, इह गुरगद्दी कोई खानदानी विरासत नहीं, जे खानदानी विरासत हुंदी ते गुरु नानक साहब की गद्दी उत्ते बाबा श्री चंद बहिंदे, लेकिन गद्दी मिली किसे लैणे नूं, इह गद्दी गुणा दी बना के मिलदी है, इह खानदानी चीज नहीं। गुरु अंगद देव जी की गद्दी उत्ते बाबा दातू बहिंदा, लेकिन बैठा कोई बुढ़ा बाबा अमरदास। जे खानदानी गल हुंदी ते गुरु अमरदास की गद्दी उत्ते बाबा मोहन जी बहिंदे। और गद्दी लै गया भाई जेठा। औरंगजेब ने दावा खारिज कर दिता, पर इहनूं देहरादून विच इक बड़ी वड्डी जागीर दे दित्ती, ते अपना डेरा बना के इत्थे आनंद लै। श्री गुरु हरि कृष्ण गुरगद्दी उत्ते बैठे। औरंगजेब ने फिर सुनेहा भेजिया, दिल्ली तलब कीता जाए। संगतां बड़ियां उदास होईयां। गुरु हरि कृष्ण पातशाह ने कहा, साडे पिता जी की पॉलिसी है मलेश नूं दर्शन नहीं देना, असीं नहीं जावांगे। औरंगजेब ने फिर राजा जय सिंह नूं कहा कि कोई स्कीम बनाओ। राजा जय सिंह दा मंत्री सी परशुराम। इसने परशुराम नूं संगतां वल्लों चिट्ठी दे के कीर्तपुर साहिब भेजिया कि महाराज चलो तुसीं औरंगजेब नूं नाम दर्शन दिओ, पर आखिर संगतां दे उधार वास्ते दिल्ली जरूर आओ। राजा जय सिंह दी बेनती है, एक बारी दास दे बंगले विच दर्शन दिओ। 8वें पातशाह कहण लगे, ठीक दिल्ली चलांगे, पर औरंगजेब नूं दर्शन नहीं देणा। जदों कीरतपुर साहब तो तैयारी हुई, संगतां विच बड़ी उदासी। कहण लगे, गुरु अर्जन देव लाहौर गए, मुड़ के नहीं आए। बाबा राम राय गया, उत्थे जोगा ही हो गया। हुण 8वें गुरु भी चले ने, वेखो की बनेगा। गुरु हरि कृष्ण साहब पातशाह जदों तुरे ते संगतां नाल ही तुर पईआं। 2 मील, 3 मील, 4 मील, 5 मील, आखिरकार गुरु साहब ने कहा, भाई साडे नाल कुछ गिनती दे सिख रह जाओ, बाकी सारे वापस चले जाओ, हुक्म मन्नो। हुक्म मन्नण दी देर सी, संगतां वापस मुड़ गईआं। जिले अंबाले दे विच इक पिंड है पंजोखरा, गुरु साहिब दी पालकी लंघ रही है, ते पंजोखरे दे कोल दी जदों संगत लंघी, शब्द पढ़े जा रहे ने, जय जयकार हो रही है, इक लाल चंद ब्रह्मण बड़ा विद्वान है, बड़ा अभिमानी है, ये कहन लगा किसकी सवारी जा रही है। संगतां ने दस्या, गुरु नानक की गद्दी दे 8वें वारस गुरु हरि कृष्ण। पर बाल मूर्ति है, केवल 5 साल की उम्र है,
अच्छा इन्हें भी जा मथा टेकया कह लगे जी नाम तो आड़ा हरी कृष्ण है हरे कृष्ण ने कृष्ण ने गीता उचारी सी तुसी गीता दे अर्थी करके सुना दे ओ सोचन लगा कि 5 साल का बच्चा इन्हें की अर्थ करने ने ते गुरु साहिब दी संगतां नूं दसना चाहुंदे सी कि गुरु शरीर नहीं गुरु आत्मा है ये शरीर 5 साल का भी हो सकता है शरीर 95 साल का भी हो सकता है महाराज कह लगे जी असि अर्थ कर देते तुसी आखोगे सोढ़ियां दा साहिबजादा सी छोटा हुंदा पढ़दा रहा है तुहाडे पिंड विच जिहड़ा सब तो वड्डा मूर्ख है ना तुसी उहनूं लियाओ पंडित ने मखौल कीता कि झीरां दा मुंडा सी गुंगा ते भोला और महामूर्ख उहनूं लिया के महाराज के सामने बिठाता ते सारे लोकी हसण गुरु हरि कृष्ण पातशाह उठे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद कह के इहदे सिर उत्ते छटी रखी इहनूं ज्ञान हो गया त्रैकाल दर्शी हो गया क्या पंडित जी सवाल करो पंडित ने गीता दे श्लोक पढ़े फटाफट छज्जू झिहुर ने उहदे अर्थ कीते मगरों महाराज कहिंदे छज्जू जी हुण तुसीं नहीं सवाल करो जदों उस मूर्ख झिहुर ने सवाल कीते ते लाल चंद दे तौर पंग उत्तर ही ना सकिया लोगों ने ताड़ी मार दी कह के कदम दिख पाया मेरे बाबा मैं आपकी आत्मक शक्ति नहीं समझ गुंगे को गीता के अर्थ करवाए दिल्ली पहुंच गए कुदरत रब की दिल्ली बीमारी पै गई चीचक हैजा फैल गया गुरु साहब के चरणों से जोड़ा के मथा टेके तंदुरुस्त हो जाए फिर महाराज ने एक चुबचे चरण धो दिते कह लगे जड़ा आवे चुबचे चो पानी लैके पिएगा तंदुरुस्त हो जाएगा दिल्ली का लोगों दी बीमारियां दूर कीतियां एक दिन राजा जय सिंह जी पटराणी महाराणी जब गुरु महाराज आए तो उसने परख की थी कि आया है जे तो हो अंतर्यामी तो पछाण लेंगे गोली नू राणियां वाले कपड़े पा के अगे बिठाता तो आप सीधे सादा जे कपड़े पा के पिछे जाके बह गए ते गुरु हरि कृष्ण साहिब बाल मूर्ति हाथ विच सोटी है ते उन्हां बीबियां दे सिर उत्ते रखदे आ रहे ने ये राणी है ये गोली है ये राणी है ये गोली है ये भी गोली है ये भी गोली है जिथे महाराणी पिछे बैठी जाके कह लगे ये पटराणी है नाले गोदी च बैठ गए महाराणी ने कुट के सीने नाल ला लिया पुत्र वांग प्यार कीता गुरु महाराज कह लगे मां इस तरह परख नहीं करी थी उसने खिमा मंगी औरंगजेब आया कहिंदा मैं दर्शन करने ने अद्धी घड़ी दरवाजे विच खड़ा रहा गुरु साहब ने कहा मलेश नू दर्शन नहीं देने औरंगजेब खिंच के मुड़ गया इत्थे कुदरत रब दी गुरु महाराज ने अंतम भाणा वरताया कहन लगे असीं इह शरीर छड़ जाणा संगतां इकट्ठियां हो गईयां महाराज तुसीं ज्योति जोत समा चले हो सानू किस दे लड़ ला चले हो अंतम समय कहन लगे बाबा बुकाले क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहिब ये रिश्ते इन्हां दे बाबे लगदे सी क्योंकि श्री बाबा गुरदत्ता जी दे पुत्र बाबा हरि गुरु हरि राय ते सतगुरु हरि राय दे पुत्र सतगुरु हरि कृष्ण ते दादे दे सके भरा नूं आम तौर ते साडे आम बाबा कहिंदे ने बाबा गुरदत्ता जी दे सके भरा सी गुरु तेग बहादुर साहिब कहन लगे बाबा बुकाले बस एक गल सुन दी देर सी बाबे बुकाले च मंजियां डह गई कोई आखे हम गुरु हैं कोई आखे हम गुरु हैं तीर मल आखे असली बाबे ही असी हाँ क्योंकि गुरदत्ता जी नूं बाबा कहिंदे सी ते मैं उन्हां दा पुत्तर असल विच इशारा ही मेरे वल्ले आ कहिंदे ने पखंडियां ने कोई अंत नहीं छड्या ते आखिरकार फिर गुरु साहिब ने खेड़ वरताई मक्खन साल बाणी दा जहाज घूमण घेरियां विच फस गया उसने अरदास कीती हे गुरु नानक साहिब जे आप कृपा करो मेरा बेड़ा पार हो जाए मैं 500 मोर लेके अर्जी के करना चाहवांगा गुरु नानक साहिब ने कृपा की बेड़ा पार हो गया मक्खन शाह आया दिल्ली दियां संगतां ने दसिया कि 8वें पातशाह ते ज्योति जोत समा गए ने पर इन्नी गल कह गए ने बाबा बुकाले मक्खन शाह लैके अपनी फौज नूं बुकाले पहुंच गया जाके वेख्या वगां दे वग फिरन पखंडी गुरुआं दे सोचे भी हुण किवें पता लगे असली गुरु केड़ा है ये कहिंदा मैं चलो दो मोहरां रखी चलदे आं जिहड़ा असली गुरु होवेगा मूंह मंग लेगा
ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਆਖਿਓ ਸਿੱਖਾ ਧਨ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਮਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉੱਠੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਵੇਖ ਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਲੱਟ ਲੱਟ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣਾ ਸੁਖਣੀ 500 ਮੋਹਰ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ, ਚੜ ਗਿਆ ਕੋਠੇ, ਹੁਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਲ ਮੋਢੇ 'ਚ ਖੱਬੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਾਰਸਾਂ ਦੇ ਗਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਰਸੈਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਕਿਤੇ ਵਗਦੇ। ਪਾਰਸਾਂ ਦੇ ਗਿਰ ਕਿਤੇ ਚੰਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਬੋਲ ਕਦੇ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਰੂਪੀਏ ਜੋ ਠੱਗਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। 43 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਾਂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਦਿੱਲੀ, ਗਯਾ, ਪਟਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਪਹਿਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਲਗੀ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਗਾਰਾ ਨਾ ਵਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜੰਨੂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਖ ਨਾ ਵਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਘੜਿਆਲ ਨਾ ਵਜਾਵੇ। ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਢਾ ਦਿਓ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰ ਦਿਓ ਮਸੀਤਾਂ। ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਦੱਤ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੁਰਲਾ ਉੱਠ ਤੜਪ ਉੱਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਖ ਵਜਾਏ, ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਪੰਡਿਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ, ਨਾਵਾਂ ਵਾਰਸ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 16 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਦੱਤ। ਅਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ, ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਈ ਲੈ ਕੇ 16 ਬ੍ਰਹਮਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 25 ਮਈ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ
खुशी कड़ा प्रसाद की देख की थी और आनंद साहब दियां पंज पौड़ियां पढ़ियां। आनंद भाया मेरी माए, इस नगरी का नाम आनंदपुरी रखा गया। श्री गुरु नानक देव जी ने सिखी का केंद्र बनाया करतारपुरा, गुरु अंगद देव जी ने सिखी का सेंटर बनाया खंडूर साहब, गुरु अमरदास जी ने सिखी का केंद्र बनाया गोइंदवाल साहब, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद साहब ने श्री अमृतसर रौनक बख्शिया, पर गुरु हरि राय साहब से गुरु हरिकृष्ण साहब ने कीरतपुर साहब ने सिखी का केंद्र बनाया। नवे पातशाह ने यह जगह खरीद के माखोवाल के थे उत्ते चक नानकी वसाया, इसे का नाम ही मुड़ के आनंदपुरी रखा गया, जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिंदगी के 32-33 साल रह के अनेक कौतक किए। उस आनंदपुरी में दरबार ला के बैठे ने एक कश्मीरी ब्राह्मण आए ने, इन्होंने गिनती 16 लिखी है विद्वाना ने। पंडित कृपा दत्त जिहड़ा मगरों अमृत छक के फिर कृपा सिंह बनिया, खानदानी ब्राह्मण सी, मैं अगे जिक्र किया अड़ू राम का पुत्र, नारायण दास का पोतरा, ब्रह्मदास का पड़पोतरा, ठाकरदास के वंश विचों सी। फरियाद की सच्चे पातशाह साडे धर्म नूं खतरा है, इज्जत नूं खतरा है, दौलत नूं खतरा है, दस कि चीज रख लीए कि चीज छड़ दईए। औरंगजेब बड़े जुल्म कर रहे हैं। गुरु महाराज सोच रहे सन, संगत बड़िया गंभीर सन कि हुण टक्कर सीधी सरकार नाल लगन वाली है, बड़े नुकसान होंदे ने उहदियां टक्करां विच। एक पासे ब्राह्मण हन, ते ब्राह्मण हिंदुआं विच पूजा योग मन्ने जांदे सी। मनु ने चार हिस्से कर दिते मनुखता दे, पंडित, छत्री, वैश और शूद्र। उन्हें कहा भाई पंडितों का काम है विद्या पढ़न ते पढ़ाउण, हुण इस वेले विद्या का काम छड़ के हिंदुस्तान में राज करन वाला काम ही सारा इन्हें संभाल लिया है।
साहिबजादा गोबिंद राय बाहरों हसते खेडते आए ने ते बापू की गोदी च बह गए। कह लगे पिता जी यार बंदे कौन बैठे ने, ये रो रहे ने, इन्हां दी शक्ल बड़ी अनोखी जी है, पतलियां बरीक धोतियां इन्हां लक नाल मोड़दियां बनिया हुई ने, गलां च मोटे मोटे जनेऊ पाए हुए ने, मत्थे विच इन्हां स्टाकी स्टाकी चौड़ रगड़ के लाए हुए किस्म दी। महाराज कह लगे काका ये कश्मीरी ब्राह्मण इन्हां की दुख है, काका इन्हां दे धर्म नूं खतरा। जदों इह गल सुनी इन्हां दे धर्म नूं खतरा है तो साहिबजादा चुकन्ना हो गया। ये उह साहिबजादा गोबिंद राय है जिन्हें अपनी कलम नाल लिखिया है, यह है काज धरा हम जनमन, समझ लिहो साधु सब मनमन, धर्म चलावन संख्य वारण, दुष्ट सबन को मूल वारण। ते अज धर्म की गल सामने आ गई, पिता जी इन्हां दा धर्म किवें बचेगा। काका सागर जुलम दे विच तूफान आया, अज बेड़ा धर्म दा है डावा डोल होया, ते धक्के शाही विच जान मजलूम कुचले, अज सच धर्म दा बिस्तरा गोल होया, रिया नहीं खौफ खुदा दा हाकमां नूं, चिड़िया मौत गवारा दा चोल होया, ते दिलबर कोई महात्मा शीस दे के रखे धर्म नूं गुरां दा बोल होया। बेटा ये हुण धर्म तां ही बच सकदा है कोई महापुरश पवित्र लहू बोले। ते जदों साहिबजादे ने गल सुनी कहन लगा फिर सच्चे पातशाह गुरु नानक दे घर तों वड्डा केड़ा। साहिबजादे गोबिंद राय ने इहो किहा, गोबिंद राय जी हस के कहन लगे, की आख्या गोबिंद राय जी हस के कहन लगे, आशिक धर्म दे मरना ना रुक दे, गुरु नानक तो वड्डा आजादी जितने लई कई वारी हारना पैंदा है, ए नखरो आशकां दे खून विच साधू लगांदी है, आजादी मुफ्त नहीं मिलदी, इहदा मुल तारना पैंदा है और मर्द मुल तारिया करदे ने। उस वेले साहिबजादे दीआं नजरां विच गुरु अर्जन साहिब दी तस्वीर आई, जिहड़े तत्ती विच तवी उत्ते बैठे कह रहे सी, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मागे। उस वेले साहिबजादे दीआं नजरां विच खड़कधारी महाबली गुरु हरगोबिंद साहिब की तस्वीर आई, साहिबजादे दीआं नजरां विच गुरु हरि राय साहिब की तस्वीर आई, जिहड़े कह रहे सी नहिं लेश को दर्शन दे, बापू जी तुहाथों वड्डा महात्मा कौन है, जाओ इन्हां दी बांह फड़ो। सिर दे के करिए सवाल पूरा, ते डर आए सवाली नूं मोड़िए ना, पत्थर लख जहान दे चल लईए, शीशा दिल पर किसे दा तोड़िए ना, ऐवें डुब के मन दी मौज अंदर, ओए बेड़ी किसे अंतारू दी रोड़िए ना, हथी अपनी सब कुछ मार दईए, पर जिस दी बांह फड़िए उस दी छोड़िए ना। तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बाहें ना छोड़िए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ऐलान कर दिता कि असीं दिल्ली नूं जावांगे। चार चहेरे इलाके दीआं संगतां दा इकट्ठ हो गया, संगतां वैराग विच सन, नेत्रां विच जल सी कि अगे गुरु हरि कृष्ण साहब दिल्ली गए वापस नहीं आए, हुण इह वी दिल्ली नूं तुर चले ने, वैगुरु राखा है। महाराज कहन लगे योधियो
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਖੁਜਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਸਾਵੇ ਹਸਤੀ ਕੀ ਕਸ਼ਮ ਕਸ਼ਮੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਸੀਰ ਹੋ ਜਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਟੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਾਪ। ਫਟ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠੋ, ਸਿਰ ਘਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਜੇ ਅਮਨ ਚਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਔਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਜਾਇਆ ਹੀ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੁੜਦਾ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹਸਾਇਆ ਹੀ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੁੱਸਾ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਦੱਸ ਖਾਂ। ਜੇ ਪਾਟਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਸੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਤੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ।
बाबा जी कितना दर्दनाक समा होवेगा जदों 9 साल दे काके नूं छड के श्री गुरु तेग बहादुर साहिब आनंदपुर साहिब तो तुरे होणगे। गुजरी जी दे नेत्र सजल सन, महाराज ने सब नूं आशीष दित्ती है, आशीर्वाद दित्ती है कि कुर्बानी तो बिना होर कोई इलाज नहीं। किसे आखे कौमां दी जिंदगी नूं जी कायम रखदे ने दान दानियां दे, पर किसे आख्या कौमां नूं कायम रखण उच्चे कथे ज्ञान ज्ञानियां दे। किसे ताकत तलवार नूं मुख दसे है, किसे फलसफे दसे रूहानियां दे। और भावें सारियां गल्लां ही चंगियां ने, चंगे गुण ने, चंगियां निशानियां दे, ऐ पर कत सियाणिया कढ लिया है कौमां ज्यौंदियां नाल कुर्बानियां। मती दास ते दयाला नाल चल पै निभ जावणी सज्जन नाल जा रही। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला, भाई गुरदित्ता, भाई ऊदा, ये पंज सिख नाल लैके गुरु साहिब बाकी सारी संगत नूं अलविदा कहिए। ज्ञानी संतोख सिंह जी गुरप्रताप सूरज विच आगरे की कहानी लिखते ने, लेकिन भट्टां दीआं वहीआं विचों कुछ नवां मसाला मिलिआ। जिहड़े भट्ट सी ये गुरु साहिब दे नाल रहिंदे सी हर वेले, ते ओह रोज दी रोज डायरी अपनीआं वहीआं विच लिखदे गए। भट्टां दीआं वहीआं विच लिखिआ कि गुरु महाराज आनंदपुर साहिब तों कीरतपुर साहिब आए, इथों अगे सरसा नगल लंघ के ते रोपड़ नूं वधे, इक पिंड है छोटा जिहा मलकपुर रंगणा, रंगणा दा पिंड सी। औरंगजेब ने चूके वरंट इशू कर दिते सी और मुगलिया सिपाही गुरु साहिब की तलाश कर रहे सी, आनंदपुर साहिब नूं जा रहे सी। उत्थे टाकरा हो गया ते मलकपुर विच गुरु तेग बहादुर साहिब नूं गिरफ्तार कर लिया गया। गुरु तेग बहादुर साहिब एक बारी तमतान विच भी महाराज नूं गिरफ्तार किया गया है, ये तीसरी बेर है जब हुण गिरफ्तार करके दिल्ली लै चले। कहिंदे ने बसी पठाना जाके हजूर नूं पिंजरे विच बंद किया गया है, औरंगजेब नूं चिट्ठी लिख दित्ती गई। उस वेले औरंगजेब जिन्हों असी पंजा साहिब कहने हसन अबदाल विच सी, एक मुहिम ते गया सी। औरंगजेब की चिट्ठी आई, इन्हां नूं दिल्ली लै चलो, मैं जल्दी पहुंचण दा यतन करांगा, अगर दीन इस्लाम कबूल कर लैन ते बहुत करे, नहीं ते कतल कर दिते जा। औने 3 महीने बसी विच रहे, इस तों बाद दिल्ली विच लै जाए गए। दिल्ली जाके हजूर नूं एक लोहे दे सख्त पिंजरे विच बंद किया गया, और पिंजरा इस शकल दा सी ना गुरु तेग बहादुर साहिब दे विच खड़े ही हो सकदे सी ते ना बह ही सकदे सी। गुरु महाराज नूं ऐ कोडा होके खड़े होना पिया ते पिंजरे दीआं सलाखां अंदर नूं मुड़ियां सी, जरा आसे पासे हुंदे सी उह सलाखां जिस्म दे विच खुब जांदियां सी, ते कोल जलाद खड़ा सी, उहनूं हुक्म सी कि जिथों खून निकले उहदे उत्ते लून छिड़किया जाए। महाराज कहिंदे सी नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा इस ही ने आता है, कसम ले लो नहीं आदत मेरे जख्मों को मरहम। बेहद कष्ट दिते गए, पर कहिंदे ने जिहड़े नाल सिख सी ना उहनां कोल वेख के बर्दाश्त नहीं होया। भाई मती दास कह लगे सच्चे पातशाह मैनूं आग्या दे दिओ, मैं दिल्ली लाहौर दी इज्जत कर दिआं। वेख जिहड़े नाम जपण वाले गुरसिख हुंदे ने उहनां विच किन्नियां रिद्धियां सिद्धियां हुंदियां ने, किन्नियां करामातां हुंदियां ने, उह चाहुण के धरती पुठी कर सकदे ने। नानदेव दी बाणी पढ़ो श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच, जदों मोई गऊ दा मसला सामने आया, बादशाह ने नामदेव नूं गिरफ्तार किया, नामदेव ने याद किया, भगवान आया, भगवान ने आख्या कहूं तो धरत अकोडी कहूं, नामदेव जे तू एक कख दा इशारा कर दे मैं धरती पुठी कर दिया। पर नामदेव कहिंदा नहीं, जी तो चाहता है कोहतूर को आग लगा दूं, मगर सोचता हूं मूसा बेवतन हो जाएगा, जनता वसदी है तेरी, धरती कानू पुठी करनी है तू गऊ ही जवा दे। भाई मती दास कहिंदा पातशाह मैनूं आग्या दे दिओ, मैं दिल्ली लाहौर दी इज्जत कर दिया। गुरु तेग बहादुर साहब हसे मुस्कराए, कहन लगे मती दास जिस सागर विचों एक कतरा लैके तू इन्हें जलाल विच आ गया है, कि ओ गुरु नानक साहब आप कुछ नहीं कर सकता। मती दास शांत हो जाओ, वड्डे गुरां दा शब्द याद करो, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक माना। ए मती दास कौन सी,
ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ। ਛਿੱਬੜ ਖਾਨਦਾਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੌਤਮ। ਗੌਤਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ। ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਪਰਾਗੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ। ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਮੱਲ ਔਰ ਹੀਰਾ ਮੱਲ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਮੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਔਰ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਇਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਵੋਹਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਇੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੋਹਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਮਕਤਲ ਮੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਲਾ ਸਲ ਪਾਓ ਮੇ ਔਰ ਸੀਸ ਪੇ ਤੇਗੋ ਕਾ ਸਾਇਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਿੱਤਰਾ ਜਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਕਾਜ਼ੀਆ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ
मती दास ने कहा काजिया मौत के डरावे कानू देना है तेरा मात कर है खुदा दा मेरे गुरु की आज्ञा नहीं तो मैं तेनू दस देंदा। कह लगा फिर तेरे बचन का एक तरीका है इस्लाम कबूल कर ला। उन्हें आख्या तेनू अपना दीन प्यारा है मैनू अपना धर्म प्यारा है तीजी चीज है फिर मरन वास्ते तैयार हो जा। उन्हें आख्या हां मौत प्रवान है। काजी ने फतवा लाया इनू ज्योंदे नू फटियां च बन के आरे नाल चीर दियो। भाई मती दास सामने आरा आया कह लगा ए है आरा इहदे नाल तैनू चीरिया जाना है। पर मती दास ने आरे उत्ते हाथ फेरिया सर करके लंघ गया। उन्हें आखे आरा इहदे मजलूमां दा लहू लग के ठंडा हो गया इहनू जरा तिखा कर ला ठंडी छुरी नाल हलाल होण दा की स्वाद है। काजी कहिंदा हुण मौत तों डर लगदा कोई टाइम चाहुणा। कहिण लगा नहीं तू आरे नू तिखा कर मैं जरा अपना मन तिखा कर लवां। उन्हें आरा ते टकोरे नाल तिखा हो जाएगा इहदे दंदे ते तेरा मन काहदे नाल तिखा होएगा। कहिण लगा जे आरे दे दंदे टकोरे नाल तिखे हो सकदे ने तां सिख दा दिल गुरु नानक दी बाणी नाल तिखा हो सकदा है। जलाद ने आरे दे दंदे तिखे कर लए ते सिख ने जपजी दा पाठ कर लिया। फटिया जकड़ के आरा चलना शुरू हो गया। सिख ने जपजी साहब का पाठ शुरू कर लिया। कहिंदे ने आरा शरीर नूं चीरदा चला गया। जदों दो फाड़ हो गया एक पासे आवाज आई जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। दूजे पासे आवाज आई नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। इस तों बाद भाई दयाला जी नूं लै आंदा गया। कहिंदे सिखा तू दस हुण तेरा की ख्याल है। भाई दयाला जी ने कहा जो भाई मती दास का ख्याल सी ओह मेरा ख्याल है ना करामात विखाउणी है ना दीन मनना है। काजी ने कहा नूं देग विच उबाल दिओ। भाई दयाला कौन है एक माई दास बादशाह शाहजहान की फौज विच अहलकार सी। इहदे दो व्याह सी एक पत्नी का नाम सी मधुरी बाई एक का नाम सी लड़की बाई। इहदे घर 12 पुत्र होए दोहां पत्नियां विचों। भाई दयाला भाई जेठा भाई मणियां ये मगरों अमृत छके फिर भाई मणि सिंह बनया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के हथों इन्हें अमृत छकया है। इनू हरिमंदर साहब का हैद ग्रंथी माता गुजरी जी ने थापिया सी और 90 साल की उम्र में इहदे बंद बंद कट के लाहौर के सूबेदार जिक्रिया खान ने इनू शहीद किया। तो यह भाई दयाला भाई मणि सिंह का सक्का भरा सी। भाई दयाला भाई जेठा भाई मणिया भाई दुनिया भाई हरिचंद भाई अमीर चंद भाई रूपा भाई राय भाई लहणा भाई जगता भाई सोना भाई भगता ये 12 भरा गुरु के श्रद्धालु सन। भाई दयाला जी नूं डेग विच उबाल दिता गया। वारी आ गई गुरु तेग बहादुर साहब की। हजूर नूं चांदनी चौक विच लिआंदा गया। औरंगजेब वल्लों उही सवाल रखे गए महाराज इस वेले मैं सारे हिंदुस्तान का तुहानूं पीर बनाउण वास्ते तैयार हाँ। बस या तो करामात विखा दिओ ते या फिर दीन इस्लाम कबूल कर लो। गुरु तेग बहादुर साहब कहन लगे औरंगजेब तू दुआ तो तिन करने चाहना है दुआ तीर्थ करना चाहना है पर मेरा अकाल पुरख दुआ तो तिन करना चाहता। तीसरा पंथ साजन वाली महान शक्ति प्रगट हो चुकी। बड़ा पत्थर दिल बादशाह होया औरंगजेब। जिमें धर्मी बंदे कदे कदे पैदा होंदे ने इसे तरह चंगेज खां वर्गे हलाकू वर्गे हिटलर वर्गे औरंगजेब वर्गे इहो जिहियां रूहां वी कदे कदे दुनिया च आउंदियां ने। इन्ना पत्थर दिल ना प्यो दा लिहाज ना मां दा लिहाज ना पुत्र दा लिहाज ना धी दा लिहाज ना संतां दा लिहाज ना भगतां दा लिहाज। बादशाह शाहजहान बड़ा मन चला बादशाह होया है। इन्हें 9 साल ला के करोड़ों रुपए खर्च करके तख्ते ताऊस बनाया। इन्हें ताजमहल वर्गी इमारत बनवाई। पर जो 66 साल का होया तो बदकिस्मत अपने पुत्र की कैद में दुखी होया। शाहजहान के 4 पुत्र सी औरंगजेब दारा शिको मुराद और शाह सुजा। औरंगजेब ने आगरा की हुकूमत दारे नूं दित्ती सी ते शाह सुजा बंगाल का सूबेदार सी मुराद गुजरात का गवर्नर सी ते औरंगजेब दखण का सूबेदार सी।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਰਾਦ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਦਾਰੇ ਵਰਗਾ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਤ ਦੇ ਕੇ ਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੱਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਜਿੰਨਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਝਾਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਗਰੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਨਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 23 ਅਗਸਤ 1658 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੈਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੈਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਛਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਕਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਆਖਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਦਾਰੇ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਈਦ ਏ, ਖਬਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਸੇਵੀਆਂ ਖਬਰੇ ਕੀ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਕਸੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਪੁੱਠੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਗਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।